गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आई एम चित्रा मैम. टुडे आई विल टीच यू चैप्टर संज्ञा ऑफ सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज ऑफ क्लास 7. बच्चों आज अपन लोग हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर नंबर 7 संज्ञा पढ़ेंगे. जैसा कि आप लोग जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं. किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था या गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. जो किसी, जैसे कि आपने किसी का नाम लिया राम श्याम, या किसी चीज़ वस्तु मेज कुर्सी, स्थान जैसे किसी भी जगह का नाम बनारस कानपुर, अवस्था कि बूढ़ा है बच्चा है गर्म है ठंडा है, ये होते हैं भाव. गुण अच्छा बुरा, इन सब के नाम को संज्ञा कहते हैं. इन सब शब्दों को संज्ञा कहते हैं. जैसा फिर से सुनिए, संज्ञा किसी कहते हैं. किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं. संज्ञा के कितने भेद होते हैं. संज्ञा के 3 भेद होते हैं. कौन कौन से होते हैं. व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक. संज्ञा के 3 भेद होते हैं. व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक. व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं. जो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताता है, या किसी विशेष स्थान हो या विशेष वस्तु हो, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे किसी का नाम लिया गया, कोई भी है, राम है, श्याम है, गीता है, सीता है, ये सब क्या किस में आएंगे. व्यक्तिवाचक संज्ञा में. जैसे मेज है, कुर्सी है, स्थान में किसी भी जगह का नाम ले लिया, आगरा है, कलकत्ता है, ये सब यदि किसी का प्रॉपर नाम लेते हैं, उसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा. जो होता है प्रॉपर नाउन. आप लोग इंग्लिश में पढ़े हैं प्रॉपर नाउन, यही होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा. अब अपन आते हैं जातिवाचक संज्ञा. जातिवाचक संज्ञा में किसी भी समुदाय या जाति का बोध कराया जाता है, वो होते हैं जातिवाचक संज्ञा. जैसे हमने किसी का नाम नहीं लिया और बोला कि विद्यार्थी, जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं विद्यार्थी, आप लोग का किसी का एक का प्रॉपर नाम नहीं लिया और सबके लिए बोला विद्यार्थी. विद्यार्थी है तो संज्ञा शब्द, लेकिन कौन सी संज्ञा में वो लिखा जाएगा. जातिवाचक संज्ञा में. क्यों, वो जाति है, किसी विद्यार्थी जाति है. जैसे सब्जी, किसी एक सब्जी का नाम नहीं लिया गया, यदि हम भिंडी बैगन ये सब कहेंगे तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा. और मैं कहता हूँ सब्जी ले आओ, तो ये कौन सा जाएगा जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि इसमें हमने प्रॉपर किसी की अभी नाम नहीं लिया है. अब ये होता है जातिवाचक संज्ञा. जो किसी एक चीज़ समुदाय के बारे में बताता है, उसका प्रॉपर नाम नहीं लेता है, तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं. भाववाचक संज्ञा में क्या होता है. भाववाचक संज्ञा में किसी चीज़ का गुण, दोष, अवस्था, ये सब चीज़ बताई जाती है. जैसे मिठाई बहुत मीठी है, तो ये क्या हुआ भाववाचक संज्ञा है. वह बहुत खुश है, क्या हुआ खुशी, क्या हुआ है तो संज्ञा शब्द, लेकिन किस में लिखा जाएगा वह बहुत खुश है, भाववाचक संज्ञा में. राम की पीठ में आज बहुत दर्द है, दर्द है तो भाव है तो संज्ञा शब्द, लेकिन कौन से संज्ञा में जाएगा, भाववाचक संज्ञा में जाता है. इसलिए आप लोग क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं. जब किसी गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं. किसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा. गुण, दोष, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं. अब आपको बताएं, यदि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है. यदि हमारे पास जातिवाचक संज्ञा है, किसी एक प्रकार की जाति है, और उसको भाववाचक संज्ञा में बदलना होगा, तो वह किस प्रकार से बदलते हैं. अब जैसे कि